हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोम स्टडी जी के। आज हम हिंदी स्पेशल की विशिष्ट कक्षा लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप कि कैसे आप हिंदी में अच्छे से निबंध लिख सकते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छे से फुल मार्क्स मिलें। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपको हर वीडियो में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बस अगर फ्रेंड्स निबंध लिखने करें तो निबंध क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें। तो निबंध जो होता है अंग्रेजी के एक शब्द है, ऐसे शब्द यानी जिसका अर्थ अंग्रेज में ऐसे ही होता है, ऐसे मतलब निबंध होता है, उससे लिया गया है। और एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि टू अटेम्प्ट यानी कि प्रयास करना। यानी किसी चीज ऐसे लिखने का मतलब है कि हमको उस पर लिखने के कोई भी जो कमांड दिया जाता है, जो भी आपको लिखने का टॉपिक दिया जाता है उस पर क्या करना होता है, आपको फोकस करना होता है और अपने मन में जो भी अभिव्यक्ति होती है, विचार होते हैं, उसको पाठक के सामने प्रकट करना होता है। इसका मतलब और उसका एक ही लक्ष्य होता है लिखने वाले का कि जो हम लिख रहे हैं अंतिम और प्रथम एक ही लक्ष्य होता है कि उसको पाठक को साफ साफ समझ में आना चाहिए और उसमें आपका भाव झलकना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसी आधार पर अगर हम देखें तो निबंध की यदि परिभाषा देना चाहें तो क्या होगा कि अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से नियंत्रित ढंग से लिखना क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। यानी कि अब ये जरूरी नहीं है कि हम निबंध छोटा लिख रहे हैं कि बड़ा लिख रहे हैं, इस पर कोई भी ये निर्भर नहीं करता है। लेकिन ये टॉपिक को क्या करना चाहिए, बड़ी सहजता के साथ लिखना चाहिए और विषय के अनुसार छोटा या बड़ा लिखना चाहिए, ठीक है। निबंध का अर्थ ही होता है क्या, बंधा हुआ, निबंध, नी का मतलब जिसमें कोई बंधन ना हो, बंध मतलब मुक्त, यानी कि जो बंधन से मुक्त हो, यानी कि आपको अपने मन के जो भी विचार भाव हैं उन्हीं से आपको निबंध लिखना है। इसीलिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह गए हैं, उनका कहना था कि आधुनिक पश्चात लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तित्व विशेषता हो। यानी कि व्यक्तिगत विशेषता का मतलब, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि निबंध हम उसी को कह सकते हैं जिसमें क्या हो कि अपने व्यक्ति के स्वयं के विचार हो, यानी कि कहीं से उसमें उठा के रख लिया हो कि ले हो गया निबंध, इसको निबंध नहीं लिखना नहीं कहते। निबंध उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति को स्वयं अपने किए गए अटेम्प्ट पर निबंध करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि क्या मैंने जो भी मेरे मन में उस टॉपिक से लेकर के जो भी स्वाभाविक भाव हैं उसके क्या पाठक को सहजता लग रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है पाठक को और पढ़ने में उसको रुचि लग रही है तो वही हमारा निबंध क्या होगा, एक विशिष्ट निबंध, अच्छा निबंध कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है निबंध का मतलब। चलिए देखते हैं हम निबंध लिखने के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए जिससे हम अच्छा सा निबंध लिख सकें और हमको एग्जाम में अच्छे से नंबर मिले। चलिए देखते हैं। बात करें निबंध के प्रकारों की तो निबंध मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है विवरणात्मक, इससे स्पष्ट हो रहा है विवरणात्मक का मतलब विवरण जिसमें दिया जाए, जैसे आप विवरण किस चीज का दे सकते हो, यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, वसंत, यानी कि आप इन्हीं का तो विवरण दे सकते हैं, संस्मरण लिख सकते हैं। दूसरा होता है वर्णात्मक, वर्णन जिसका वर्णन कर सकें, वर्णन किसका कर पाएंगे, जिसको आपने देखा होगा, जैसे कोई स्थान है, दृश्य है, व्यक्ति वस्तु है, उसी का तो वर्णन कर पाओगे। विचारात्मक निबंध होता है तीसरा, यानी किसी समस्या में विचार दे सकते हैं, समस्या है, स्थिति है, घटना कोई हो रही है, उसी के संबंध में आप विचार दे सकते हैं, उसको विचारात्मक कहते हैं। चौथा टॉपिक होता है भावात्मक निबंध, ऐसे निबंध जिसमें मन के भावों जैसे क्रोध, वीरता आदि सुक्तियों के आधार पर क्या किया जाता है, उसको विभाजित किया जाता है, उसको निबंध का चौथा टाइप होता है। हमने देखा चार प्रकार के निबंध होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको याद रखिएगा कि अगर कभी पूछ ले एग्जाम में, फिलहाल कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश लेवल के, ठीक है, उसमें कि ये किस प्रकार का निबंध है, यात्रा देखना, मैच देखना या फिर किसी स्थान के चित्रण करना, तो किस प्रकार के निबंध की शैली है, तो याद है वर्णात्मक निबंध के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि निबंध के कितने अंग होते हैं। तो मुख्यतः निबंध के तीन अंग होते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन आजकल क्या होता है, मॉडर्न जमाना चल रहा है तो कई अंग बना दिए गए हैं, लेकिन मुख्यतः तीन ही अंग होते हैं। एक होता है भूमिका होती है निबंध की, दूसरा होता है विषय और तीसरा होता है उपसंग, ठीक है। तीन टॉपिक होते हैं निबंध के अंतर्गत, हमको इन्हीं टॉपिक पे कमांड रखनी होती है। भूमिका की अगर बात करें तो भूमिका में क्या होता है, पहला भूमिका एक छोटा सा क्या होता है, अनुच्छेद होता है, इसमें अंतर्गत क्या लिखा जाता है, विषय का पूरा परिचय दिया जाता है और इसको इतने प्रभावशाली ढंग से लिखा जाता है कि जो पढ़ रहा है हमारा पाठक है उसको निबंध को आगे पढ़ने में प्रेरित मिले। ये ना ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कुछ लिख दिया भूमिका बनाने में ही कि उसने बेचारे ने दो लाइन पढ़ी पाठक ने और उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लगा उस निबंध, आपको निबंध पढ़ने में, तो उसने कहा कि आगे पढ़ा ही नहीं, काट दिया उधर से, खत्म कहानी। तो फ्रेंड्स, तो हमको जो भूमिका बनानी है जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उसको ऐसी प्रस्तावना देनी है कि जिससे क्या हो कि निबंध जो पढ़ रहा है हमारा पाठक है उसको क्या हो, प्रेरित हो जाए वो, यानी कि उसको लगे कि यार नहीं यार बढ़िया मस्त लिखा है और हमको आगे पढ़ना चाहिए, इससे तो बहुत ही रस की प्राप्ति होगी हमको, है ना। तो उसी को लेकर के तो ये भूमिका हमको अच्छी देनी चाहिए जिससे पाठक क्या हो, संतुष्ट हो जाए और उसको लगे कि नहीं यार बढ़िया लिखा है, प्रतिभाशाली बच्चा, ठीक है, तो पाठक को ऐसा लगना चाहिए प्रेरित कर सके उसको आगे पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है, दूसरा विषय।
विषय के अंतर्गत हमको कई दो तीन अनुच्छेदों में या तीन से चार अनुच्छेदों में कुछ ऐसी विषय वस्तु लिखी जाती है, बाय टॉपिक करके एक एक अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा जाता है, और उसी के अंतर्गत एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं अपने, या कि इस पे क्या कर सकते हो आप, इस पे क्या कर सकते हो, कोई टॉपिक लिया उसके बारे में क्या कारण, क्या बुराई, अच्छाई बुराई, मतलब सब आपको उसमें ये लिखना है। सर अच्छाई लिख रहे हैं आप एक टॉपिक में, तो एक अनुच्छेद के अंतर्गत उसकी केवल अच्छाइयाँ लिखें, उसमें बुराइयों वाला कोई शब्द ना हो। फ्रेंड्स आपको ये समय ऐसा ध्यान रखना कि आप जब भी निबंध लिख रहे हो तो अपने टॉपिक से कभी विचलित ना हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। फिलहाल अभी देखते हैं कि विषय के अंतर्गत अब दूसरे टॉपिक में अगर आप दूसरे अनुच्छेद में लिख रहे हैं उसको, उस पर अगर आपको वहीं पर रोक के दूसरा अनुच्छेद पकड़िए, वहां पे आप उसकी बुराइयां लिख रहे हैं तो उस टॉपिक में सिर्फ बुराइयां लिखिए उसी लाइन अनुच्छेद के अंतर्गत। ऐसे करके आपको दो तीन चार से तीन से चार पहलू लिख देने हैं, ठीक है, तो आपको विषय होगा। नेक्स्ट आता है आखिरी, जिसको आप श्रृंगार कहते हैं, इसको अंत में इसको क्या कहते हैं कि यार इसमें क्या रिजल्ट निकला, रिजल्टेंट भी बोलते हैं इसको, निष्कर्ष भी बोलते हैं, ठीक है। इसके निष्कर्ष के अंतर्गत आप किसी संदेश भी लिख सकते हैं कि यार हम आपको इससे निबंध लिखने के बाद हमको क्या संदेश मिला, तो उसी के आधार पर इस निबंध को लिख सकते हैं, ठीक है। समय तीन बातें ध्यान दी, इनको गौर करिएगा आप, इन्हीं पहलुओं के अंतर्गत ये बात सोच समझ करके आप लिखते हैं तो आपका निबंध एक उत्कृष्ट कोटि का निबंध माना जाएगा। क्या पहले भूमिका आपको बनानी है, उस भूमिका के अंतर्गत ऐसा रखना है कि हमको पाठक को इतना इंटरेस्ट पैदा हो इस निबंध पढ़ने में, यानी कि उसको इंटरेस्ट पैदा करना है, पहली भूमिका इस बनानी है। दूसरा विषय होता है तो उसमें तीन चार टॉपिक पे, अगर आप कोई टॉपिक पहली लाइन ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ लिख रहे हैं तो अच्छाइयाँ दर्शाएं, दूसरी में उसकी बुराइयाँ लिख रहे हैं तो बुराइयाँ ही दर्शाएं, ठीक है। ऐसे पहलुओं पर विचार करना, ठीक है, कारण रीजन भी बताने हैं उसके, ठीक है। तो जो उपसंहार लिखा जाता है निष्कर्ष, उस पर आपको बहुत सारा उसका जो आपने निबंध लिखा उसका क्या सार निकला वो लिखना है, और साथ में आपको ये लिखना है कि आप उसको आपको क्या मॉरल मिला, क्या संदेश मिला आपको, और आप उसके अंतर्गत आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसी बातें लिखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं निबंधों की विशेषता की, निबंध की क्या क्या विशेषता होती है। तो पहला है चार विशेषताएं, व्यक्तित्व का प्रकाशन होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, एक सूत्रता होनी चाहिए, अनुवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। अनुवृत्ति का प्रभाव शायद आपको समझ नहीं है, उसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ टोटलिटी, यानी कि आपको चारों के बारे में आप एक डिस्कस करते हैं। व्यक्तित्व का प्रकाशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि व्यक्तित्व का प्रकाशन का मतलब ये हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है निबंध लिखते समय कि आप जो अपने पाठक को अपने जो भी आप टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक मान लीजिए पर्यावरण का आपको टॉपिक दिया गया, उस पर आपको निबंध लिखना, तो आपको इस तरह से उसके बारे में उसको लिखना है कि व्यक्ति जो आपका पाठक है वो आपको इस तरह से, जैसे कि आप मित्रवत व्यवहार करते हैं खुल के, उसी तरह से आपको ऐसे व्यक्तित्व का प्रकाशन करना है उसमें, ठीक है। तो इसको व्यक्तित्व के प्रकाशन को देना है। दूसरी संक्षिप्तता, यानी कि आपको निबंध हो सके जितना भी जब संक्षिप्त लगे, क्योंकि जो संक्षिप्त निबंध होता है वो जितना छोटा उतना यदि क्या होता है गठा हुआ होता है, क्योंकि आप जितना, लेकिन जैसे ही आप निबंध को लंबा करने की कोशिश करते हैं उसमें क्या होता है दूसरे कुछ बेंड देते हैं, जिससे अंतर्गत क्या होता है कि निबंध की प्रभाव होता है वो इतना प्रभावशाली नहीं दिखाई देता है। इसलिए आपको संक्षिप्तता रखनी है, निबंध को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि निबंध की सफलता श्रेष्ठ है उसकी संक्षिप्तता में ही निहित होती है। अगर तीसरी बात करते हैं एक सूत्रता का मतलब एक सूत्र में बांधे रखना, यानी आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना है कि जिससे निबंध की क्या हो अधिक प्रतिभाशाली लगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि दूसरी कोई अर्थविहीन शब्द प्रयोग जैसे बायवेंड उसमें भर दिए, भावहीन ब्लाफ कर दिया, कोई भी ऐसी एक सूत्रता में रखना, यानी कि उसको ऐसे जो भी आपको टॉपिक दिया उसको एक सूत्रता में बांध के रखना कि आपका कहीं भी टॉपिक क्या हो निबंध जो लिख रहे हैं वो कहीं भी भटकने ना पाए, ठीक है। और चौथा है टोटिलिटी, इफेक्ट ऑफ टोटिलिटी देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टोटलिटी का मतलब कि जिस तरह आप एक चित्र को देख के उसके असमद्ध रेखाएं आपस में मिलकर एक संपूर्ण चित्र बना देती हैं, ऐसे ही आपको टोटलिटी बनानी, यानी कि आपको उसको इस तरह से चित्रित करना है निबंध को कि आपको ऊपर से लगे जैसे एक बॉडी का निर्माण होता है कि ऊपर से उसके एक नाक होती है, एक कान होता है, एक मुंह होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर के सारे पार्ट होते हैं, जैसे धीरे धीरे आपको कोई फिगर दिखाया जाए तो आप जान जाएंगे कि ये इमेज किसकी है, किसी मनुष्य की है। उसी प्रकार आपको निबंध लिखना है, आपको इस तरह से उसका शुरू से भूमिका से बना करके उपसंहार तक ऐसे चित्रित करना है कि जैसे किसी पुष्प का आप चित्रण कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का चित्रण कर रहे हैं, तो उसका पूरा भाव उसमें झलकता हुआ नजर आए, तो ऐसी विशेषता होनी चाहिए निबंध की। ये चार विशेषताएं हो गई, और उसकी शैली का मतलब जानी मानी शैली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी बहुत ही पढ़ के भयंकर शैली का प्रयोग कर दिया और जो पढ़ रहा है उसको बेचारे को समझ भी नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो निबंध लिखते समय याद रखनी चाहिए। पहली बात है निबंध लिखते समय पूर्व संबंधित विषय का क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जैसे कोई भी टॉपिक दिया गया है तो आपको वही टॉपिक चुनना चाहिए जिसके बारे में आपको क्या हो पर्याप्त ज्ञान हो, या ना ऐसा ना हो कि आपने आपको खेलो इंडिया पे दे दिया और आयुष्मान भारत पे, अब आपको खेलो इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं आता, आपको आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, अब आपको लगेगा यार मैं खेलो इंडिया के बारे में लिखूं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस भी विषय पे आप लिखना चाहते हैं उस पर आपको पूर्व
फुल कमांड होनी चाहिए आपको लिखने की, तभी उस विषय पर संबंधित उसका चयन करना चाहिए। और क्या दूसरी बात है, क्रमबद्ध रूप से विचार होना चाहिए, को लिखाना चाहिए, यानी कि आपको क्रमता दिखानी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से फिगर देखते हैं मनुष्य का, कि ऊपर से उसके सिर से लेकर के पैर तक का वर्णन करते हैं, तो एक रूपता होती है। इसी पर आपको निबंध लिखते समय उसकी भूमिका, जैसे मैंने बताया भूमिका, फिर विषय, इसके बाद जो उपसंहार लिखना है, तो इस तरह से आपको उसकी क्रमबद्धता देनी है। तीसरा है निबंध की भाषा और रोचक सरल होनी चाहिए। मैंने अभी बताया कि आप कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना कि जो पाठक है उसको एक भी रुचि ना हो उसको। मैंने कहा था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना, उसी तरह से आपको निबंध में भी लिखना है और छोटे छोटे वाक्यों को लिखना और प्रभावशाली तरीके से दिखाना है। संक्षिप्तता रखनी चाहिए, मैंने जैसे आपको बात की, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। जैसे हमने पहले डिस्कस कर दिया है कि आपको कैसे अनावश्यक बातों को नहीं लिखना है, यानी कि निबंध को हमको एक सूक्तता में बांध के रखना है, उसको कहीं पे भटकने नहीं देना, ठीक है। और अगली बात है कि व्याकरण के नियमों और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना। व्याकरण की शुद्धि बहुत होती है निबंध लिखते समय, इसलिए जो चेक करने वाला कॉपी होता है या फिर पाठक होता है, वो क्या होता है कि हमारे निबंध पे उतना ध्यान नहीं देता है। अगर उसको कहीं पे व्याकरण की ज्यादा अशुद्धियां मिली तो वो निबंध पे क्या होता है उतना गौर नहीं देता है, ठीक है। तो आपको ये भी अपना कि व्याकरण की कहीं अशुद्धि ना हो, और विषय के जिस विषय में आप लिख रहे हैं निबंध में मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, जिसको आजकल तो कोटेशन का युग चला है कि आपको निबंध के बीच में कोटेशनों का प्रयोग करना काफी अच्छा माना जाता है, तो आप मुहावरों या कोटेशनों का प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होता है निबंध सशक्त बन जाता है, उसको मजबूती मिल जाती है। नहीं यार, जैसे देश प्रेम पे कोई बात करें कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें सुदेश का प्यार नहीं, ऐसे अगर आप ऐसे कोटेशनों को प्रयोग करते हैं, अगर देशभक्ति की रूप देश प्रेम पे आप निबंध लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि उसको एक सजगता मिल जाती है, सशक्ति मिल जाती है, सशक्तिकरण हो जाता है उस आपके निबंध का, जिससे वो क्या होता है और अधिक प्रतिभाशाली दिखाई देता है। ये सातवीं बात हो गई, और बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देख कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हिंदी का हमारा लेक्चर कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।